हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी मयूर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम तुलसी की चाय बनाएंगे। ये आयुर्वेदिक चाय है। वैसे तो चाय हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी चाय बनाकर पियेंगे तो ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं और उसके साथ हमने उसके बीज भी लिए हैं। अदरक का एक टुकड़ा लिया है और इस लेमन ग्रास लिया है, इसे गवती चाय भी बोलते हैं। दो इलायची, शक्कर लगेगी और चाय पाउडर, आधा कप पानी और आधा कप दूध। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बर्तन में गैस स्टार्ट कर लेते हैं और हम इसमें आधा कप पानी डाल लेंगे और इसमें अब हम चाय बनाने की पाउडर डालेंगे और एक चम्मच शक्कर डालेंगे। यहाँ पर हम एक कप ही चाय बना रहे हैं और ये लेमन ग्रास डालेंगे, गवती चाय के पत्ते, अदरक जो है हम वो कद्दूकस करके लेंगे और इसे भी डालेंगे हम। अदरक, तुलसी, ये एंटीबैक्टीरियल है, इसकी वजह से गले की जो खराश है उसे भी आराम मिलता है और ये सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत अच्छी चाय मानी जाती है। ये आयुर्वेदिक चाय है। तो अब हम इसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालेंगे और तुलसी के बीज भी डालेंगे। इसमें भी बहुत रासायनिक ऐसे तत्व है जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे उबलने देंगे अच्छे से। 3 से 4 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे और इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो अब हम इसमें दूध डालते हैं और अच्छे से इसे उबाल लेंगे। और उबलने के बाद अब हम इसे कप में छान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है इसका, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। अब इसे हम कप में छान लेंगे। बारिश के मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ सर्दी जुकाम वगैरह। ये हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग कर लेता है क्योंकि तुलसी में और लेमन ग्रास में ऐसे सारे गुण हैं अदरक में जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लेता है। तो दोस्तों, ऐसी चाय हमें रोज़ पीनी चाहिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही कई सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन है जो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमारी चाय रेडी है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।